अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 6.3। ये है जी केपीके की 9th क्लास की जो बुक है मैथमेटिक्स की, उसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। एक स्टूडेंट है, उन्होंने कमेंट सेक्शन में मुझे जो है जस्ट ये क्वेश्चन भेजा था कि आप ये सॉल्व कर दें, x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 1, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो उन्होंने ये मुझे क्वेश्चन भेजा था कि आप ये सॉल्व कर दें जल्दी। तो फिर जब मैंने देखा इस क्वेश्चन को, तो ये केपीके की बुक का 9th क्लास की जो बुक है ये उसका क्वेश्चन है। आपको उधर कमेंट नीचे नज़र भी आ रहा होगा, तो ये उन्होंने मुझे बोला था। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इजी सा ही है, पर जब भी क्वेश्चन आए तो उसको पहले समझने की कोशिश किया करें। हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर बनाना पड़ेगा ताकि ये स्क्वायर रूट में से बाहर आ सके। तो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। जब भी क्वेश्चन को स्टार्ट किया करें, आप अपने ऊपर एतमाद रखा करें कि ये मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, ठीक है। तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं होती, बस जो भी समझ आ रही होती है करते जाया करें। और कभी भी एग्ज़ाम में ये काम ना किया करें कि कोई क्वेश्चन है और अगर आपको वो पूरा नहीं आता तो आप उसको पूरा ही छोड़ के आ जाते हैं। एटलीस्ट कोशिश तो किया करें उसको सॉल्व करने की। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता ही है कि कैसे हम स्क्वायर रूट लेते हैं, कैसे करते हैं, तो थोड़ा सा जो है ना उस पर कोशिश किया करें। तो स्टार्ट करते हैं जी हम, और कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी सॉल्यूशन। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस 1। आप देखिए, मुझे सोचना है कि मैं इसे कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, कि ये तो मेरे पास ऐसे, अगर तो मैं इसको पूरा खोल दूँ तो मेरे पास तो एक्स पावर 4 बन जाएगी, फिर मैं उसे कैसे सॉल्व करूँगी। तो मुझे ना कोई इसमें शॉर्ट ट्रिक ढूंढनी पड़ेगी कि मैं इसे कैसे सॉल्व करूँ। तो यहाँ पर अगर देखें तो मेरे पास क्या है, 3 है, और 1 प्लस 2 क्या होता है, 3। यानी कि अगर मैं इन दोनों का पेयर बना दूं तो भी मेरे पास x प्लस 3 बनेगा, और ये तो ऑलरेडी x प्लस 3 है। इधर मैं सब्सिट्यूट कर दूंगी कि y इज इक्वल्स टू x प्लस 3। इस तरह मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ। आए करते हैं इसको, तो मैं इसको ज़रा रीअरेंज कर लेती हूँ। मैं x के साथ लिख देती हूँ x प्लस 3, और इधर लिख देती हूँ x प्लस 1 इंटू x प्लस 2 प्लस 1। अब इसको ज़रा मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों को, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 3 3x, और इधर क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 2 2x प्लस 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और 2 प्लस 1 क्या होता है, 3 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस 1, ठीक है जी, ये हो गया। अब यहाँ पे हम सब्सिट्यूट कर सकते हैं x प्लस 3 को y के इक्वल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, लेट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। नेक्स्ट शीट ले लेती हूँ, उस पर आगे करती हूँ मैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर, जहाँ पर भी एक्स स्क्वायर प्लस 3 है ना, मैं उसकी जगह लिख दूंगी y, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि ये तो इस पूरी ब्रैकेट की जगह y आ जाएगा, तो y इंटू y प्लस 2 प्लस 1, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं, y इंटू y y स्क्वायर y इंटू 2 2y प्लस 1। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी हमें, तो मिड टर्म ब्रेक हम कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मिडल में क्या है, 2y है हमारे पास, तो 1 प्लस 1 क्या होता है, 2, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी 1 आता है। फैक्टराइजेशन किस तरह करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या आ रहा है, 1y स्क्वायर, या फिर कह लें y स्क्वायर, और मिडल में मेरे पास क्या है, 2y है। तो अगर मैं क्या कर दूं कि y इंटू y, तो क्या आ जाता है, y स्क्वायर, और y प्लस y कर दूं तो क्या आता है, 2y। तो फिर यहाँ पर मैं लिख देती हूँ y प्लस y, y स्क्वायर प्लस y प्लस y प्लस 1। तो जो मेरे पास फर्स्ट टू टर्म्स हैं इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या हो जाएगा, y प्लस 1। नेक्स्ट जो टू टर्म्स हैं इनमें से 1 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या आ जाएगा, y प्लस 1। एक दफ़ा इन दोनों को लिख लें, एक दफ़ा इन दोनों को, यानी कि y प्लस 1 इंटू y प्लस 1। एक ही टर्म टू टाइम्स है, तो मैं इसे लिख देती हूँ y प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब y किसके इक्वलेंट था, एज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1
का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये मेरे पास किसकी इक्वलेंट है, ये मेरे पास इक्वलेंट है जी एक्स इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस वन। तो मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ ये कि एक्स इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब क्या करना था, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन। अब इसका हमने क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री प्लस वन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट। तो यहाँ पर जब भी स्क्वायर रूट हटता है तो हमारे पास दो आंसर्स आते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो दो आंसर्स आएंगे। तो प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, ये आ गया जी हमारे पास इसका आंसर, ठीक है जी। तो देखें ये कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था और ये मैंने सॉल्व कर दिया है। तो ये थी जी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो मेरे से तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो मेरे से क्वेश्चंस करते हैं मैं उनको सॉल्व करूँ। और जो मेरा सेकंड चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।